देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल ऑफ मास मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम फॉर एन पार्टिकल सिस्टम आरसीएम देखिए बच्चों ये है आपको बताइए बच्चों और प्लस डॉट 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 समझ गए मेरी बात को पार्टिकल के लिए कर ही लोगे इसको ऐसे लिख लो मतलब ये देखना यहां पर ये ओरिजिन बताया गया ओरिजिन अलग है और बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं अलग है ठीक है समझ गए मेरी बात को सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन एक ही जगह पर कोइंसाइड हो जाए ठीक है जीरो हो जाएगा ठीक है क्योंकि ओरिजिन दूरी है सेंटर आरसीएम ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी है आरसीएम अगर ओरिजिन आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो लिखिए तो नोट देके लिख लिख लो फॉर टू पार्टिकल सिस्टम और टू पार्टिकल सिस्टम फॉर टू पार्टिकल सिस्टम आरसीएम इक्वल टू एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ये सपोज कीजिए एम वन मास का पार्टिकल है ये M2 मास का पार्टिकल है ये पोजीशन R2 वेक्टर है ये पोजीशन R1 वेक्टर है और ये सपोज कीजिए बच्चों सेंटर ऑफ मास की दूरी है RCM, ठीक है ये सेंटर ऑफ मास है ठीक है ये ओरिजिन है ठीक रुक जाओ रे लिखिए इफ सेंटर ऑफ मास ओरिजन इफ सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विथ ओरिजन इफ सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विथ ओरिजन ओरिजन के साथ अगर कोइंसाइड हो जाता है ठीक है तो आरसीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा ठीक है इसका मतलब एम वन आर वन वेक्टर इक्वल टू माइनस एम टू इंटू आर टू वेक्टर हो जाएगा ये ध्यान रखना ठीक है अरे सही कहा और मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में बराबर हो जाएंगे डायरेक्शन को शो कर रहा है लेकिन
नए जूते लगा रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर सी एंटर हो मास कोइंसाइड अगर ओरिजिन आता है, इसका मतलब एम आर इक्वल टू कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है। तो एम आर इक्वल टू कांस्टेंट इसका मतलब सॉरी एम आर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा ना, आर वन इक्वल टू एम टू आर टू इक्वल टू एम थ्री आर थ्री इक्वल टू एम फोर फोर ऐसे आता रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब एम आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन एम हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ की हैवी, ठीक है, लिख लो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई नियर टू हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज मास ऑलवेज लाइज नियर टू हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियर टू हैवियर मास, आपको बताइए बच्चों। वैसे तो देखो इसको लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, लिख देता हूं एक्स सी एम आई के सी एम जे के और प्लस जेड सी एम के कैप, लिख दूं ना तो आर वन वेक्टर हो गया एक्स आई जे के और कितना लिख दोगे एक्स वन वाई वन और ये कितना लिख दोगे जेड वन के कैप आ जाएगा एक्स टू आई के और प्लस आई टू जे के कैप, इस तरीके से आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा एक्सीएम, अकेला अगर एक्सीएम निकालो तो ये आ जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है। ये किसके लिए बच्चों, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट जानते हो क्या, अरे डिस्क्रीट जानते हो, अलग अलग जहां पर अपने मास पार्टिकल के बारे में पता है, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए नहीं है, ठीक है। जेड सी एम इक्वल टू एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू और प्लस डॉट डॉट डॉट, जल्दी से अरे भव्यांशी समझ में आ रहा है ना,
ऑफ ए कंटीन्यूअस सिस्टम, एडिंग दी सेंटर ऑफ मास कंटीन्यूअस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ए कंटीन्यूअस सिस्टम, ठीक है। कंटीन्यूअस सिस्टम जानते हो क्या होता है बच्चों? एक मैंने एल लेंथ का रोड ले लिया, रीजन है, और मास पता करना चाह रहा टू आएगा। वैसे बता अगर करना कैसे करोगे? देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और आर इंटू डीएम, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, आर सी एम इक्वल टू, ठीक है, दैट इज, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, वन अपॉन एम और आर इंटू डीएम भी लिख सकते हो कई बार, लेकिन क्या होता है मास वेरी कर जाता है, ठीक है, तो कोई बच्चा गलती कर देगा यहाँ पर, ठीक है, वही वाली बात वापस से, इसका मतलब अक्स सी एम कितना हो जाएगा बच्चों? अक्स सी एम इक्वल टू वन अपॉन डी एम इंटीग्रेशन अक्स इंटू डी एम, वाई सी एम इक्वल टू कितना? ये लो जेड डी एम, समझ में आ गया ये बात? पोज करो, पर लेते हैं सबसे पहले लेंगे, आपकी इजाजत हो तो निकाल लें, ठीक है, ये लिख लिया करो, लैम्डा इक्वल टू एम बाई एल, ये डीएम इक्वल टू, डीएम इक्वल टू बच्चों लैम्डा इनटू, ये डीएक्स लिख देता हूँ, ये इसकी मोटाई तो डीएक्स है, यहाँ से ओरिजिन से ये स्ट्रिप जो काटी है वो, तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू डीएक्स हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल होती है ना, उसी पे ही उसका सेंटर, ध्यान रखना, इस एक्सिस के अबाउट है एक्सिस का इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। अब जैसे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही आएगा, वाई सी एम पे नहीं आ सकता, वाई एक्सिस पे नहीं आ सकता, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बच्चों यहाँ पर तो डी एम इक्वल डी इनटू डीएक्स, तो एक्स सी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स सी एम इक्वल टू एक्स, ये हो गया, और लैम्डा इनटू डीएक्स और इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू डीएक्स, अब ये लैम्डा इनटू डीएक्स है, अब ये 12 तक 0 टू l तक क्या कर दो, 0 टू l तक इंटीग्रेट करोगे तब अपने आप आ जाएगा, ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू पुट कर देना, शायद l / 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आई टू आ जाएगा, ठीक, काम है, ठीक है, सेंटर ऑफ एल आ गए दिमाग, यहां से कर सकते हो आप, ठीक है, अब सब करेंगे, अब जैसे मैंने रोड का किया, रिंग का, स्फीयर का, कोन का, ठीक है, इस तरीके से 1/4 रिंग का, तो समझ में आ गए, करो तो फील्ड निकाला था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन डी क्यू कहा था, तो यहाँ पर अपन क्या कह देंगे, सिर्फ डीएम बोल देंगे, ठीक है, कल आपको एक बात मैंने बताई थी, कल आपको मैंने एक बात बताई थी ना,
क्या बात बताई थी कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो उसका ज्योमेट्रिकल पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास कितना होगा? सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, ठीक है, समझ में आ गया? ज्योमेट्रिकल पॉइंट पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा रिंग ना लेके और मैं क्या कर लेता हूँ, आधा रिंग लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा रिंग तो वैसे भी जीरो आएगा, ओरिजिन पे आएगा ना, ठीक है। एडिंग तो बच्चों ये सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। देखिए ये मैंने सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, एक तरीका तो ये है कि छोटा सा क्या ले लो, डीएम मास ले लेते हैं, ये दूरी आर है, या कैपिटल आर ले लो, चाहे एक ही बात है, कैपिटल आर से आपको ज्यादा फीलिंग आएंगी, क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा, आर क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो डीएम बच्चों क्या हो जाएगा, ये ओरिजन है, ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, तो ये डीएम बराबर लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा लिख दूंगा, ठीक है। डीएम बराबर लेमडा इंटू डीएक्स बोल सकते हो, ठीक है, और डीएक्स इसको बोल सकते हो, ठीक है, अरे बोल सकते हो ना, वैसे तो समझ गए ना ये, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये एंगल थीटा, ये एंगल डी थीटा, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो डीएम बराबर, अब आपको ये पता होगा वैसे भी, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल है, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल है, उस एक्सिस के अबाउट ही क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस पे ही इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डीएम और वाई इंटू डीएम, ठीक है। अब ये दूरी होती है बच्चों यहाँ से, ठीक है, इसका ये वाली दूरी ले लेना आप, ठीक है, ये वाली दूरी y कह रहा हूँ, ये वाली दूरी कितनी कह रहा हूँ, y कह रहा हूँ, जो कि r साइन थीटा हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी बच्चों, r साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है, कैपिटल r ले सकते हो आप, ठीक है, या स्मॉल r ले सकते हो, ठीक है, मैंने दो जगह स्मॉल r लिख दिया, इसलिए थोड़ा आसान रहेगा स्मॉल r लिखना, ठीक है। तो बच्चों वाई सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा ना, डीएम की जगह वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा आर इंटू डी थीटा, और डिवाइडेड बाई लेमडा आर इंटू डी थीटा, अब आर तो चेंज हो नहीं रहा, थीटा चेंज हो रहा है, तो जीरो से पाई, जीरो से पाई, ठीक है। तो वाई सी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, टू आर अपॉन पाई, ठीक है, कितना आ जाएगा, टू आर अपॉन पाई आ जाएगा, कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान है। अब सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, अब हेडिंग दो बच्चों, सेमी सर्कुलर डिस्क, देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब बच्चों एक तरीका बताऊंगा आपको, एक तरीका, अच्छा आगे टू आर अपॉन पाई है, देखो बच्चों मैं ऐसे कह रहा हूँ, दो तरीके से आप सवाल कर सकते हो, देखिए अब की बार मैंने क्या लिया, डिस्क लिया, ठीक है, ये मैंने डिस्क लिया। अब एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, पहली बात तो इसके बाद सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू एम बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, आधा लिया है, समझ में आ गया, एक बात तो यही होगी। दूसरी बात क्या हुई, मैं चलो रिंग का ही कॉम्बिनेशन मानता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, रिंग का ही कॉम्बिनेशन मान लेता, ओ इधर आर,
ठीक है, और मोटाई कितनी मान लेता हूँ, मोटाई डी आर मान लेता हूँ, मोटाई कितनी मान लेता हूँ बच्चों, डी आर मान लेता हूँ, ठीक है, ये मोटाई होगी डी आर, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल होती है वही आ, लेकिन वाई किसका लिखोगे, रिंग का लिखोगे, अब की बात सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ए इंटू डी एम और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो एम ही आना है, ठीक है। अब वाई रिंग का टू आर अपॉन पाई लिखोगे, सीधा क्या लिखोगे, टू आर अपॉन पाई, और डी एम बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर इंटू डी आर, और अपॉन ये तो वही चीज आएगी वैसे तो, सिग्मा पाई आर इंटू डी आर, और जीरो टू कैपिटल आर, और जीरो टू कैपिटल आर क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दो, समझ में आ गया इतनी बात। तो ये क्या आ जाएगा, फोर आर अपॉन थ्री पाई आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, फोर आर अपॉन थ्री पाई आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये था इसका, ठीक है, मेरे कहने का मतलब हमेशा रिंग का लिखना है, कई बच्चे पता है यहाँ पर गलती कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, वही लिख देते हैं, और वही वही लिख देते हैं, आर साइन थीटा लिख के वही कर दे, आपने रिंग का कॉम्बिनेशन माना है, आपने क्या माना है, रिंग का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इस सेंटर ऑफ मास से इसको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, समझ में आ गई तुम्हारे, समझ में आया। देखिए एक तरीका और है, आप इसको कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि आप रिंग का तरीका मानो ही, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूं इसको, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा, अब की बार इसके पास डी आर भी है, और एक इसके पास में आर इंटू डी थीटा है, सिग्मा तो है ही है इसके पास, सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू, डी एम बराबर सिग्मा और डी आर इंटू आर डी थीटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड, इसके पास में दोनों है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया वाई सी एम इक्वल टू वाई इंटू डी एम और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, वन अपॉन एम भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि अभी वेरी नहीं कर रहा है, कई बार वेरी कर जाता है ना मास, तब ये यहाँ पर लिखना होगा आपको, ठीक है, तो वाई इंटू डी एम, अब बच्चों ये वाई वाला, ये वाई वाला है, ये वाई कह रहा है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, r साइन थीटा, ठीक है, y की जगह r साइन थीटा लिख देना बच्चों, y की जगह r साइन थीटा लिख देना, ठीक है, y की जगह r साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अब की बार डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक जीरो टू कैपिटल r हो जाएगा और एक जीरो टू पाई हो, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर वही आएगा, समझ आ गया, दो तीन चार कर सकते हो, ये डिस्क का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, तो कर लो बच्चों, ये करो दोनों,
के दविद जी को काम सिखा दो। हो गया क्या? आंसर आ रहा है क्या? 4R3 भाई, दोनों केस के अंदर कर लेना बच्चों, बड़ा कर देता हूँ। गया बच्चों ठीक है, ये इतना सा करके छोड़ दो, वे तो आएगा तो वही रिजल्ट करके भी देख लो। वैसे तो सवाल कैसे आएंगे, सवाल कैसे आएंगे, जैसे ऐसे बोल देगा आपको कि एक जैसे पेंडुलम दे दिया, उसके नीचे एक रिंग दे दी, ठीक है, कई बार उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, ठीक है, कई बार उसकी मोशन पूछ ली, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेंगे, कुछ पूछ लेंगे, तो प्रॉब्लम जो होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट करनी, प्रॉब्लम जो डील करनी होगी वो कैसे होगी, सेंटर ऑफ मास। जब अपने कोई सेंटर ऑफ मास ही नहीं आता तो फिर तो अपन लुढ़क जाएंगे वहां पर, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, हेडिंग दो, अब अपने पास में क्या हो गया, कौन हो गया ना, सॉरी क्या नाम है, डिस्क आ गया आपकी बार तो अपने पास में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन होलो कौन भी कर सकते हैं और सॉलिड कौन भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। अरे सॉलिड कौन भी कर सकते हैं, होलो कौन भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, एडिंग दो, सॉलिड कौन, सॉलिड कौन, सॉलिड कौन का मतलब क्या होता है बच्चों, भरा हुआ, ठीक है, दैट इज उसके पास में रो है, रो इक्वल टू एम अपॉन कितना हो जाए, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है, ठीक है, समझ आ गया इतनी बात। कहने का मतलब क्या हुआ, सिलेंडर का तीसरा पार्ट होता है, सिलेंडर का 1/3 पार्ट कौन होता है, ठीक है, इसका मतलब 3 कौन को अगर सही से एडजस्ट कर दो तो सिलेंडर बन जाएगा, समझ गए मेरी बात को,
क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर का होता है वॉल्यूम। समझ में आ गया दीवान? ये क्या है, सॉलिड है। तो अब आप इसके अंदर स्ट्रिप कैसे मानोगे बच्चों? ये आर रेडियस का है, ये एच हाइट है, ठीक है, यहाँ से एच हाइट है। अब देखो ऐसे मान लो, ये मैंने क्या मान लिया, डिस्क मान लिया, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। ऊपर से भी कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, एक ही बात होती है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजन यहाँ मान लो कि भाई नीचे से कर रहे हैं, अपन बोल देंगे नीचे से इतनी दूरी पर है, ऊपर से एच माइनस हो जाएगा, ठीक है, वर्टेक्स से इतना हो जाएगा, बेस से इतना हो जाएगा, ठीक है, ये आर हो गया। अब ये मैं फिक्स ही मान लेता हूँ, मान लू ना, ये स्मॉल आर रेडियस की मान लेता हूँ, ये हाइट यहाँ से कितनी मानू, अच्छा ऊपर से मान लेता हूँ, ठीक है, ऊपर से कितनी दूरी पर मान लू, मैं वाई दूरी पर मान लू ना, ये मोटाई कितनी मान ली, डी वाई मान ली, मोटाई डी वाई हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो छोटी सी जो अपन ने डिस्क टाइप जो माना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास में रो होगा और पाई आर स्क्वायर एरिया होगा और ए डी वाई मोटाई होगी, रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। अब अगर आपको एक चीज पता होगा, अगर जब दो चीजें वेरी करती हैं, जब दो चीजें अगर वेरी करती हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई रिलेशन आएगा, दो चीजें अगर वेरी करेंगी तो क्या आएगा, कोई ना कोई रिलेशन आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक देखना ध्यान से, जहां पर मार्कर चला रहा हूँ, ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, और एक ट्राइंगल देखो ये नीचे भी बन रहा है, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये भी बन रहा है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, ये समरूप त्रिभुज है, ये ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर ट्राइंगल का क्या होता है, उसका रेडियस छोटे वाले का रेडियस बड़े वाले का रेडियस, ठीक है, और ओरिजिन से छोटे वाले की हाइट और बड़े वाले की हाइट, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर आर की लिमिट लगाओ तो जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेट कर देना, और एच की लगाओ तो जीरो टू एच कर देना, वो आप दोनों को किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, समझ में आ गया दीवार, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है बॉडी, उसी के अबाउट क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, वाई सी एम आएगा, वाई सी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम और वाई इंटू डी एम, ठीक है। अब वाई तो ऊपर से ले रखा है अपन ने, ऊपर से बोल देंगे और नीचे से करेंगे तो एच माइनस बोल देंगे, ठीक है, तो वाई तो हो ही गया, और डी एम की जगह वैल्यू पुट कर दो, रो और पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा डी वाई, और रो पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा डी वाई। अब अगर आर की जगह वैल्यू पुट करना चाहते हो, आर की जगह करना चाहते हो तो आर की जगह ये कर दो, आर वाई अपॉन एच हो जाएगा। इसका मतलब डी आर की जगह क्या लिख सकते हो, आर डी वाई अपॉन एच लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, वाई में बदल जाएगा, और जीरो से एच तक क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, जीरो से एच तक इंटीग्रेट कर देना। और अगर आप वाई को कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कर देना, dy इक्वल टू एच डी आर बाई आर और जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेट कर देना, एक ही बात है। अगर भाई इधर फैलाना चाहते हो तो जीरो से आर कर देना, इधर करना चाहते हो तो जीरो से एच कर देना, समझ में आ गया, कर लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नीचे से एच बाई फोर आएगा, नीचे से कितना आएगा, बेस से एच बाई फोर आएगा, इसका मतलब वर्टेक्स से थ्री एच बाई फोर है, थ्री एच बाई फोर ही ना, वर्टेक्स से अब आपका आंसर आएगा थ्री एच बाई फोर, और बी एस से पूछे थे एच माइनस थ्री एच बाई फोर, ठीक है, अरे बोलो हाँ समझ में आया, ठीक है, कर लो बच्चों। हाँ देखिए सुनिए मेरी बात, देखिए आप होलोकोन का भी कर सकते हो क्या, होलोकोन का करो, एडिंग दो बच्चों होलोकोन, ये देखो सेम ही चीज रहेगी वैसे तो, ठीक है। अच्छा देखिए होलोकोन के अंदर पहली बात तो सिग्मा आएगा, सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन टू पाई आर एच होता है क्या, स्लेंट हाइट होती है, ठीक है, अरे स्लेंट हाइट होती है ना, टू पाई ये आर एल नहीं होता है शायद, स्लेंट हाइट होती है, कोई बात नहीं है,
ठीक है, अरे स्लेंट हाइट होती है, ये होती है, ये वाली टेडी वाली होती है, ठीक है। हाँ तो ये छोड़ो, कोई बात नहीं है, होता सिग्मा है, समझ गए मेरी बात को, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी खास वैसे भी, ठीक है। डीएम, डीएम क्या लिखोगे, सिग्मा, पहली बात तो सिग्मा और 2 पाई आर और इंटू डी वाई, अब की बात, क्योंकि इसके पास सिग्मा है, क्योंकि इसके पास क्या है, सिग्मा है, अगली चीज, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास वही चीज हो जाएगी, वाई सी एम इक्वल टू 1/ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम और वाई इंटू डी एम, वाई इंटू डी एम, वाई अपन ने लिख रखा है, बातें वही है, उसका आर कैपिटल आर और उसका वाई और उसका एच, रिलेशन यही रहेगा, देख लीजिए क्या आता है आंसर, ठीक है। समझ गए क्या मेरी बात को, ठीक है। नीचे से एच बाई थ्री रहेगा, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस एच बाई थ्री रहेगा, और अपन कर रहे हैं ऊपर से, तो एच माइनस समथिंग कर देना जो भी रिजल्ट आता है, जल्दी करो बच्चों इसको। हाँ बोलो, तू इतनी क्यों बैठा है, बारी बैठ जाए ना, यहाँ आ जाए यार, कूलिया के ऊपर बैठ जाए, वहां से पूछ ले सवाल। हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो सही था, उसमें कोई दिक्कत, आंसर सेम आ गया ना। हाँ नहीं, स्लेंट हाइट नहीं होती है ये, मोटा मतलब ऐसे है ये, आपको ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है ये, ऐसे ऐसे मोटाई है, ऐसे मोटाई है, ठीक है। सिर्फ एक स्ट्रिप लो आप, सिर्फ एक आप स्ट्रिप लो आप, अरे इतनी मोटी एक एक ले ले या स्लेब ले लेना, ठीक है। ऊपर से सीधी ये मोटाई डी वाई है, डायरेक्ट डायरेक्ट हाइट है ये डी वाई, तो हाँ वही तो क्या, पाई आर स्क्वायर, मोटी इतनी और एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर मास नहीं होता, जैसे इसके अंदर अंदर मास नहीं होता, तो मास जहां पर कहां पर है, 2 पाई आर पे, एक तो मोटाई डी वाई, ठीक है, अंदर नहीं है और उसके अंदर एरिया भी है, इसलिए उसको वॉल्यूम लिखा, इसलिए उसका रो लिखा, समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना। करो बच्चों इसका आंसर आ रहा है, देखो जल्दी से, स्पीयर के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान है क्या, स्पीयर की स्ट्रिप स्ट्रिप काटनी आती है, ठीक है, वैसे तो आप काट लोगे, तो बच्चों हेमी स्पेरिकल सेल हेडिंग दो, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्पेरिकल सेल, ये तो आया ना। अच्छा जो कोन होता है ना, ठीक है, जैसे कोन होता है, ठीक है, अगर इसका ये स्लेंट हाइट है एल है और ये इसका आर है, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू एम बाई टू टू बाई आर एल होता है, ये स्लेंट हाइट होता है, ठीक है, इसका जो सिग्मा होता है वो लिख लेना, ठीक है, ये इस तरीके का डायग्राम बना के सिग्मा लिख लेना, और वैसे ही इन सवालों में ऊपर से नीचे कट जाती है सब चीजें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती, समझ में आ गए। लिखिए, अच्छा देखो बच्चों सुनो मेरी बात, अब हेमी स्पेरिकल सेल करें, करें ना, ये अपना फेवरेट है ना आपका होगा, हाँ ठीक है बच्चों, हेमिस्फेरिकल सेल है ये, ठीक है, 3D है, मतलब कहने का मतलब की बात, ठीक है। तो बच्चों मैं एक छोटी सी स्ट्रिप मान लूं, ये वाली स्ट्रिप मान लूं, हेमिस्फेरिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, हेमिस्फेरिकल का मतलब क्या होता है, आधा, पहली बात तो आधा, तो इसलिए इसके पास में सिग्मा है, हेमिस्फेरिकल सेल है, अंदर मटेरियल नहीं है, मटेरियल क्या नहीं है, अंदर नहीं होता, अंदर से खोखला होता है, ठीक है, और एक ही लेयर वाला है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हो, वॉलीबॉल बोल सकते हो, फुटबॉल बोल सकते हो, अगर फील करना है, बहुत पतली सी तो इसकी क्या रहती है, स्किन रहती है, ठीक है, मोटाई नहीं होती, मोटाई होती ही तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, ठीक है, तो इसलिए इसको हेमिस्फेरिकल सेल बोला जाता है,
और एक बच्चों होलोस्पियर भी होता है, एक क्या होता है उसकी मोटाई होती है, लेकिन उसके पास में क्या होती है मोटाई होती है, ठीक है, मोटाई होने की वजह से उसके पास में वॉल्यूम और आ जाएगा, एरिया तो है ही है इसके पास में, वॉल्यूम और आ जाएगा। और एक होता है सॉलिड स्पियर, एक क्या होता है सॉलिड स्पियर का एग्जाम्पल कौन दोगे, क्रिकेट बॉल, पहली बात तो सॉलिड स्पियर सॉरी होलो स्पियर का एग्जाम्पल क्या दोगे, टेनिस बॉल जिसके पास में विड्थ होती है इतनी मोटी होती है, ठीक है, और स्फेरिकल सेल वॉलीबॉल और फुटबॉल, जैसे आपने ये सब चीजें ईडी में पढ़े होंगे, ठीक है, अगर ईडी के किसी ने वीडियो पढ़े हैं तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों इसका हो जाएगा कितना, 2πr², ठीक है, आधा, समझ गए इतना, ठीक है, कितना होता है 4πr², ठीक है, ये हो जाएगा 2πr², समझ में आ गया। अब ये अपन ने स्ट्रिप काट लो, चाहे वैसे स्ट्रिप काट लो, दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, चलो स्ट्रिप काट लेता हूँ एक बार। तो ये ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ये आर रेडियस का है, ये कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है, तो ये एंगल डी थीटा होता है, ऊपर से बनता है ये डी थीटा, तो ये वाला पूरा जो पार्ट जो कट के बाहर आ रहा है वो हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा, ये वाला आपकी वाई हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू वही तरीका आर कोस थीटा आपकी बात, क्योंकि थीटा एक्सिस से बना रहा है, थीटा एक्सिस से बनाता है, ठीक है, अगली बात ये हो जाएगी। अब बच्चों इसके पास में क्या है, ये आर साइन थीटा है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप जो दिख रही है इसके पास में सिग्मा है, इसके पास में क्या है सिग्मा है, तो डी एम इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, सिग्मा और 2πr sin θ और इंटू आर डी थी, ये लिखोगे डी, ये लिखोगे ना, अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब क्या लिखना है, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उसी के अबाउट इसका क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वाई की जगह लिखी दोगे वाई इंटू कितना लिख दोगे डीएम, ठीक है। अब ओनली वेरी क्या कर रहा है, थीटा कर रहा है, थीटा भी कितना कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, समझ आ गए दिमाग, ठीक है, बस हो गया। अब कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कई बार एक छोटी सी स्ट्रिप भी मान सकते हो इसके अंदर, ठीक है, वो पहले ऐसे इंटीग्रेट होगी तो वो ऐसे इंटीग्रेट होगी, वो 2πr sin θ भी आएगा। ये कहने का मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये तो कर लोगे ना, जीरो से पाई बाई टू इंटीग्रेट हो गया, भाई की जगह आर को थीटा पुट कर दे, इंटीग्रेशन तो करना आता है ना आपको, कब सीखा, ठीक है, देखिए बच्चों कब सीखा, बचपन में सीखे थे, बचपन का मध्य याद दिलाओ, बचपन की याद नहीं दिलाई ना, बचपन के मारे ही तो फिर देखो बच्चों, अब कोई बच्चा ऐसे कहता है कि गुरुजी मैं तो ऐसे मानूंगा, ये देखो, ये पहले तो मैं ऐसे काट के ला रहा था स्ट्रिप, और अब एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिप ही ले ली मैंने, ठीक है, अब ये वाली ले ली ओनली, ठीक है, मैं तो यही काटूंगा, सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रिप काट दिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, काट लो तो तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है, एक ये होता है और एक ये होता है, ये एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल डी थीटा आ जाएगा, बराबर, तो ये वाला जो पार्ट निकल के आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये तो है आर इंटू डी थीटा, आर फिक्स है क्योंकि आर वेरी नहीं कर रहा, अंदर से मटेरियल नहीं है, समझ में आ गया, होलोस्फीयर सॉरी स्फेरिकल सेल है ये, एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर भी एक्सिस बना दो, यहाँ पर भी एक्सिस बना दो, ये देखो ये सेम ही चीज है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, तो इस स्ट्रिप के लिए ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी जेड एक्सिस हो जाएगी, ये देखो यहाँ मिलाओ बच्चों, ये ठीक है, ये एंगल फाई बनता है, ये एंगल फाई बनता है, तो ये एंगल कितना बनता है डी फाई, ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला पार्ट है आर साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये जो इतना जो पार्ट कट के आया ना, वो कट के आया आर साइन थीटा डी फाई कट के आया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, आपके पास में सिग्मा तो वही है, डीएम देख लो बच्चों, डीएम इक्वल टू 2πr sin θ इंटू आर डी थीटा करने की जरूरत नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो आर डी थीटा, और आर साइन थीटा इंटू कितना कर दोगे बच्चों डी फाई। अब लेकिन बस सीधी सी इतनी बात है, डी फाई अकेला ही है,
और गरीब है और 0 से 2 पाई तक वेरी करता है, ठीक है। अगर डीएम ये पुट करते हैं ना, वही चीजें आती हैं, 2 पाई r sin थीटा और इंटू आर इंटू डी थीटा, देखो वही चीज आई है, ठीक है। पूरी स्ट्रिप ले लो, ऐसे ले लो, अब ये करते तो इसका डबल इंटीग्रेशन कर देते और क्या, ठीक है। तो इसका अगर करते वाई सी एम, तो वाई वन अपॉन डी एम कर देंगे और इंटीग्रेशन इंटू वाई इंटू डी एम कर देंगे, बस डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा आपकी बात। एक 0 से 2 पाई वेरी करेगा और एक 0 से π/2। थीटा तो क्या करेगा इस केस के अंदर, 0 से π/2 करेगा, और फाई इसके अंदर क्या करेगा, 0 से 2π करेगा। दोनों बात एक ही है, कोई ज्यादा इसके अंदर लफड़ा नहीं है। अब यही सेम काम अपने ईडी में कर रखा है, ईडी के अंदर डी क्यू कर रखा है, ईडी के अंदर अपने क्या कर रखा है, डी क्यू कर रखा है, बस बात तो इतनी है, डीएम है वहां डी क्यू कर रखा है और कोई अंतर नहीं है, सेम ही चीजें हैं वहां पर भी। समझ आ गया, जब अपन ने डिस्क्रीट मेथड काम में लिया था तब, समझ आ गया, बोलो। हाँ बोलो बच्चों, समझ आया? अरे आया ना, ठीक है, ये आया, पहले ये कर लो उसके बाद वो कर लो, करो बच्चों। आंसर क्या आएगा, आंसर है काम की बात तो, ठीक है, आर बाई टू ही आएगा, क्या आएगा बच्चों, आर बाई टू, ठीक है, करो जल्दी से। पहले ये कर लो उसके बाद वो करना, नहीं ये किधर कर लिया था क्या, अच्छा दोनों कर लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया आपने दोनों करके, ठीक है। अब एडिंग दो सॉलिड स्फीयर, एडिंग दो बच्चों सॉलिड स्फीयर, हाँ जेड एक्सिस के अबाउट है तो जेड सी एम निकलेगा ना, ठीक है, वो एक ही बात है, समझ गए ना, जेड जेड सी एम और जेड सी एम की जगह जेड आ जाएगा, जेड की जगह आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा ही तो लिखा है, जेड की जगह आर कोस थीटा नहीं है क्या, बस वो गलती से बोल दिया था ये बच्चों, जेड सी एम लिख लेना रे, सॉरी भाई, जेड सी एम, ये जेड लिखा तो वही है ना, जेड की जगह आर कोस थीटा ही तो लिखा है, ए निधि ये जेड, ठीक है। अब ये मेरे कहने का मतलब है सॉलिड स्फीयर, अब की बात, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में इतना ही अंतर है बच्चों, ये जो है ना अंदर भी मटेरियल रहता है, अंदर भी मटेरियल रहने की वजह से इसकी मोटाई भी आएगी, इसकी क्या आएगी, मोटाई भी आएगी अब की बार, ये मतलब 3D बनेगा, ये जो स्ट्रिप बनेगी ना ये 3D, ठीक है। एक तो स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, ये आएगा r sin थीटा आएगा, स्मॉल आर आएगा, ये r d थीटा आएगा, और अब की बार इसके पास में dtau रहेगा, अब की बार इसके पास में क्या रहेगा, dtau रहेगा इसके अंदर ही अंदर, ये हो गया इसके पास में, ठीक है। तो ये स्मॉल आर कर देना, यहाँ पर स्मॉल आर साइन थीटा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है इसके अंदर डीवी आएगा, डीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू डीवी आ जाएगा, रो और डीआर और आर डी थीटा और ए आर साइन थीटा इंटू डी फाई, ये तीन चीजें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो वही वाली बात वापस से, हाँ जेड सी एम इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और जेड इंटू कितना हो जाएगा, डीएम, बातें तो वही है, जेड की जगह आर है, अब की बार क्या आएगा, कोस थीटा, और डीएम की जगह ये वाली वैल्यू आएगी, डीएम की जगह ये वाली वैल्यू आएगी, और रो की जगह क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू एम अपॉन 4/3π की जगह 2/3π r³ आ जाएगा, अब की बार रो है इसके पास, समझ गए मेरी बात को, अब की बार 3D इसकी स्ट्रिप बनेगी, डीएम तीन डायमेंशन होंगी, डीएम भी आएगा क्योंकि अंदर है अब की बार सॉलिड स्ट्रिप, समझ आ गया रवि, ठीक है, तेरे को स्कैन करना पड़ेगा एक दिन, आपको ये बात मैंने बताई नहीं थी कि पहले,
बताई थी कि कोई भी पीडीएफ नहीं बनाएगा, ठीक है, नहीं बताई आज सुन लेना, हटा देना, सिलेक्शन नहीं होगा दादर भाई। देखो बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब की बार ये है ना, अंदर बनानी पड़ेगी स्ट्रिप, आपको क्या करनी पड़ेगी, अंदर बनानी पड़ेगी स्ट्रिप ये, ठीक है। पहली बात तो रो जाएगा कितना, ये क्या लिखा हुआ है भाई, आर क्यूब नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों अब की बार यहां पर आपको ऐसे राउंड वाली स्ट्रिप बना सकते हो आप। अब ये वाली स्ट्रिप है ना, पहली बात तो क्या है, पहली बात तो इसके पास में एक तो मोटाई भी है, अब की बार मतलब इसके पास में डीआर तो मोटाई है, ठीक है, डीआर तो इसके पास में क्या है, मोटाई है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये इसके पास में आर साइन थीटा है, ठीक है। तो डी एम इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो रो टू पाई आर साइन थीटा और इंटू आर डी थीटा, ठीक है, ये लिखोगे बस। कहने का मतलब ये होगा ये टू पाई घूम रहा है, ये तो घूमेगा तो टू पाई, तो इसका मतलब डी फाई वाला काम कर दिया अपन ने, बस मुद्दा इतना ही है और कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसको, ठीक है। तो टू पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा आ जाएगा और बाकी तो वही है, ठीक है, जेड सी एम, ठीक है, और वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम और आर साइन थीटा जेड और इंटू डी एम, ठीक है, और जेड की जगह कितना आ जाएगा आर कोस थीटा, ठीक है, दोनों सवाल एक ही। विक्रम जी तो लग गए, ये होता है लगन, ठीक है, ये क्या होता है लगन है ये, ठीक है। आंसर आएगा 3r/8, आंसर क्या आएगा 3r/8, डीएम क्या होगा रो, ठीक है, रो ये तो हो गया सर्कमफेरेंस 2πr(sin θ), ये हो गई मोटाई और ये होगी लीनियर डिस्टेंस dr, समझ आ गया, dr भी आएगा भाई, समझ आ गया, अरे आ गया ना, बोलो हाँ, एक तरीका और भी है, ठीक है, आप ए इसको आप ए स्फेरिकल सेल का कॉम्बिनेशन भी मान सकते हो, ठीक है। तो जैसे देखो अब तो 3D है क्या, 3D ये 3D क्या, ठीक है, तीसरा ये कि यही बच्चों सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, सेम ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, में कुछ नहीं, सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है बस और कुछ नहीं करना होगा, समझ जाना है ये सब चीजें, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था बच्चों कि स्फेरिकल सेल ले लो इसके अंदर, ठीक है, क्या ले लो, स्फेरिकल सेल ले लो, जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया, ये रिंग मत समझ लेना, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, तो तरीका वही रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा जेड, ठीक है, लेकिन वाई सी एम इक्वल टू सॉरी जेड सी एम इक्वल टू, ठीक है, और जेड जेड ए स्फेरिकल सेल का लिखना पड़ेगा, स्फेरिकल सेल और इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, तो जेड स्फेरिकल सेल का कितना है आर बाई टू, तो स्मॉल आर बाई टू लिखोगे आप, क्या लिखोगे स्मॉल आर बाई टू लिख देना, ठीक है। अब पहली बात तो ये हो जाएगी, डी एम क्या लिखोगे, डी एम इक्वल टू, ठीक है, अरे ये आर आर रेडियस की नहीं हो जाएगी क्या, ठीक है, आर रेडियस की हो जाएगी ना, तो डीएम क्या आएगा बोलो रो रो टू पाई आर ही कर दू ना, पूरा क्या होता है पाई आर नहीं होता क्या, टू पाई आर आर डी आर ये आएगा, देखो बच्चों टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है, ये एरिया और ये मोटाई, ठीक है, ये मोटाई हो जाएगी इसकी, ये डी आर, समझ गए, ये करने हैं आपको, कर लोगे तो ये यहां तक हो जाएगा आपका काम,
कर लोगे, कर लो तो तीनों चारों कर लो, आंसर सेम आएगा। कोई से भी अगर मैचिंग नहीं हो तो बताना एक बार, कौन सा करोगे पहले, ये करोगे क्या, ये कर लो जल्दी करो, ये थोड़ा सा ये, फिर ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, और फिर ये रिकॉर्डिंग पॉज कर, ठीक है।